Smoking causes cancer. Smoking kills. स्वर से तेरे जग जग या
रंगून से अंबर सजिया भेंट है परमात्मा की, पक्षी प्यारे पक्षी। नमस्ते, हम एक्सेल इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हैं, रोबोटिक्स रिसर्च स्टूडेंट्स। डॉक्टर वसीकरण से मिलने की अपॉइंटमेंट ली है हमने। प्लीज कम इन। अरे यार, मस्त हाइपर बोला है। हाँ, एक्सक्यूज मी, आप? आई एम डॉक्टर वसीकरण असिस्टेंट। ओह, योर नेम? नीला। ब्यूटीफुल, थैंक्स। नीला, नीला, व्हाट? नीला पानी, आसमान भी नीला। तो तोड़ू या डूब जाओ? रिंगटोन है। Can I have your number? 1-1-4-2-3-8-7-9. Look what he's... अंदर लो, ज़बान लटक रही है। Hi. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Hi, sir. Listen. डॉक्टर, हम मैकेट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं। आपने एक नया ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, प्रोफेसर मित्रा ने बताया। क्या हम उसे देख सकते हैं? Sure. ये है मेरा बनाया हुआ रोबोट, प्रोजेक्ट नीला। नाइस, इंटेलिजेंट, लवली असिस्टेंट। ह्यूमनॉइड X12 2018 मॉडल, क्वांटम कोर मिलेनिया, X12 5D एक्सट्रीम प्रोसेसर, अनलिमिटेड क्लाउड मेमोरी एंड 1 THz स्पीड, बिल्ट इन सिम्युलेटेड एमिग्डाला। ये है नीला का MPU, मेमोरी एंड पावर यूनिट, जैसे कि हमारा दिल। सिंथेटिक स्किन, MPU। उड़ेगा या डूबेगा? वो और वो फोन नंबर? My IMEI number. तो ये भी चिट्टी जैसा है क्या डॉक्टर? नहीं, ये असीमोव के नियमों के अनुसार बनाया गया डोमेस्टिक पर्पस रोबोट है। ये एक सेक्रेटरी, फ्रेंड या केयर टेकर बनकर हर तरह से लोगों की मदद करेगी। क्या इसमें फीलिंग्स भी है डॉक्टर? है ना, प्री प्रोग्राम्ड कस्टमाइजेबल कंट्रोल्ड फीलिंग्स। चिट्टी कभी वापस आ सकता है क्या डॉक्टर? साइंस के हर आविष्कार को पहले डेंजरस समझा गया। शुरू में लोगों ने खूब जमकर उसका विरोध भी किया, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोगों ने उसे अपना भी लिया। चिट्टी की भी एक दिन जरूरत पड़ेगी। डॉट। हे निकिता, गुरु हेल्प। उड़ गया, डूब गया। यार निकिता, बात तो सुन लो। मैं तुम्हें साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से फ्लर्ट कर रहा था। वो रोबोट ही ऑब्वियस नहीं था क्या? चुप कर लायन। माय बॉबी स्नो व्हाइट बेबी। ए जोगन, फोन रख। हे हैशटैग गॉड्सवे, तुम्हें बर्थडे पर मैं एप्पल वॉच गिफ्ट करने वाला था। Thank you.
कलेक्शन आया है, तुम खाना खा के वहाँ आ जाना, ठीक है? My flight is delayed. Inform the client. I'll be there by. ऑफिस से आते ही पूरी फैमिली एक साथ बैठकर बातें करती है. We spend quality time, you know. ओए इडियट. अरे फोन दो जरा. पापा को जरूरी कॉल करना है. लाओ दो फोन. अरे क्या, ये लो. पापा ने कुछ नहीं किया. आता घर जाएगा. अगले महीने मेरी बीसी निकलेगी तब. हाँ? रात में दाल चावल और आलू. दादा इज रिसाइडिंग इन ऑल ऑफ दैट एज मी, सो दैट मी थ्रू दिस मी टॉकिंग टू मी. मन्नू मैं कहता हूं अपने प्रिंसिपल की कोई चाल है. हेलो कहां हो तुम? छत पर आओगे. क्या हुआ? प्रोजेक्ट मैनेजर और वो पपीता प्रीति के बीच खास डीलिंग है. उसे प्रमोशन देकर ऑन साइट भेज दिया है. मिस्त्री को बुलाने गए, आने की खबर ही नहीं. लाइक कल महावीर जयंती है, कहाँ तरह ठेका बंद रहेगा. रात को ही खरीद कर रख लेना. 4G वाईफाई ब्लूटूथ और डुअल सिम कैपेसिटी भी है. लड़कियां देखने आया था, यहाँ तो मर्द ही मर्द हैं. Danger, girlfriend calling. Hi Sana. अरे वाह सर, आज मेरा फोन कैसे ले लिया? Sorry Sana. कितने फोन कॉल्स? तुमने ये फोन लिया ही क्यों? बहुत बिजी हो ना? तुम्हारे घर से 10,000 किलोमीटर दूर आई हूँ, पागलों की तरह पढ़ाई कर रही हूँ, और तुम प्रोजेक्ट करने के बहाने अपनी उस नीला के साथ प्लॉट कर रहे हो? वो एक खिलौना है सना. खिलौना? पर गुड़िया है ना. Come on honey. 112 मिस कॉल्स. उन मिस कॉल्स के बदले 112 किसेस दिए तो? 112 छोड़ो, एक किस ठीक से दे दो. फ्लाइंग किस? सर मोबाइल चोरी हो गया, आप तो कहाँ कंप्लेन करे हो? उसी के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है, जाके पीछे खड़े हो जाओ. सेल फोन जुड़ गए, ये कैसे हो सकता है? कुड़के कहाँ गए? इसमें किसका हाथ है? कोई एक आदमी है या किसी गैंग की साजिश है? हमें तो बहुत डर लग रहा है. ये सब दुनिया की बर्बादी का निशान है, वेदों में लिखा है. ओजोन लेयर में जो होल है ना, वो ब्लैक होल बन गया है. हमारे सेल फोन सब वहाँ जा रहे हैं. ए, क्या बोल रहे हो? वो कोई ड्रेनेज होल है क्या जिसमें सब चला जाएगा? शेयर मार्केट से हूँ सर, तो बिना सेल फोन मर जाऊंगा. व्हाट्सएप और सेल्फीज के बिना लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है. मैं तो जब बाथरूम जाता हूँ तब भी मोबाइल साथ लेके जाता हूँ, अभी तो मुझे प्रेशर ही नहीं आता. अब वो कुवैत में है, सेलफोन के भरोसे ही तो हमारा रिश्ता चलता है. कॉन्टेक्ट में अम्मा के नाम से सेव किया था, अब उनका लंदन नंबर कहाँ से याद करूँ? अरे उस फोन में बैंक अकाउंट, ATM पिन, पासवर्ड सब सेव्ड है, मैं क्या करूँ? उसमें गर्लफ्रेंड के साथ फोटो वीडियो सब कुछ है, किसी ने इंटरनेट पे डाल दिया तो. एक्सक्यूज मी, आईफोन का अलग सेक्शन है क्या? हाँ है ना, पागलखाने के पास में अलग सेक्शन खोल के रखा है, वहाँ जाओ. सर बहुत सेंटिमेंटल फोन है सर, मैं और नहीं खेल सकता. ये सब भी कंप्लेन में लिखो. मैंने तो सेल फोन मंगलसूत्र से बांध के रखा था, वो भी चला गया, 10 तोले का था सर. अरे ना बीवी की खिचपिट ना मोबाइल का बिल, खुश रहो. सर किसी का श्राप है, तिरुनल्लार में पूजा करने से फोन वापस आ जाएगा. क्या बक रहे हो? जाना, कमिश्नर साहब ने बुलाया था. ठीक है सर, देखता हूँ. थैंक यू सर. टेलीकॉम मिनिस्टर का फोन है सर. CM का फोन भी नहीं बचा. यस सर, आपका PM मेरे सामने ही बैठा है, मैं देखता हूँ. सर मिनिस्टर साहब का फोन सर पूरा हीरो से जड़ा था, 0.25 कैरेट सर, 526 स्टोन से सर, 2 करोड़ का था सर, कैसे भी करके ढूंढ दीजिए. समझ गया सर. इज द BSNL चीफ टेक्निकल ऑफिसर राम सुब्रमण्यम. प्लीज सिम कार्ड से ट्रैक करने की कोशिश की थी ना, कुछ पता चला? सिर्फ BSNL ही नहीं, बाकी सारे नेटवर्क भी अपने किसी सिम कार्ड को बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं सर. सारे के सारे सेल फोन स्विच ऑफ हैं.
पूरे शहर के सेल फोन गुम हो गए हैं। सारे स्विच ऑफ कैसे हो गए? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज, सेल फोन हुए उड़ के गायब, पागल हुई भीड़, कंफ्यूजन में है पुलिस, मुख्य सचिव के साथ विशेषज्ञों की आपातकालीन बैठक। So doc, I think you know the situation. What is this? ये क्या phenomenon है? This is strange. मैंने सारे NASA studies, Interpol records, सब study किए। ऐसी कोई घटना आज तक कहीं record नहीं हुई। इसका scientific जवाब देना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। ये साफ नजर आ रहा है। This is a terrorist attack. कुछ बड़ा plan कर रहे हैं वो लोग। यही हमारा डिफेंस सिस्टम है सर, जो समझ के बाहर है, टेररिस्ट ने किया या भगवान ने किया सोच लेते हैं। क्या यह किसी दूसरे ग्रह के लोगों का काम हो सकता है? नहीं सर, मैंने इसरो रिपोर्ट्स पढ़ी, स्पेस में इस तरह की एलियन मूवमेंट्स या एक्टिविटीज फिलहाल नजर नहीं आई है। इसी फील्ड में रिसर्च कर रही किसी इंटरनेशनल कंपनी का ये काम हो सकता है। जो हमारी सेलफोन टेक्नोलॉजी है उसको डिस्ट्रॉय करके उनको कुछ नया करना होगा, इसीलिए पब्लिक डिस्प्ले। जहां तक मेरी जानकारी है, सिटी के सारे सेलफोन एक साथ चिड़िया की तरह उड़ने लगे, ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं नहीं। मे बी इससे पहले भी यहाँ किसी ने कोई बकवास रोबोट बनाया था ना, वैसे ही किसी क्रैंक साइंटिस्ट की कोई आविष्कार करने की बेवकूफ कोशिश का नतीजा भी हो सकता है। कौन? पहले जो AIRD चीफ थे बोरा, उनके बेटे हैं दिनेंद्र बोरा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये भी AIRD में डायरेक्टर हैं। ये सेलफोन गायब होने वाले दिन के इनसेट 3D वेदर सैटेलाइट के साथ GSAT-16 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कंबाइंड डेटा का विजुअलाइजेशन है। ये छोटे डॉट्स हैं हमारे सेलफोन्स, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर अचानक सब एक साथ गायब हो जाते हैं। सेलफोन्स ट्रोपोस्फियर से आगे नहीं गए, इसका मतलब सी लेवल से 10 किलोमीटर के अंदर ही हैं। दूरी नापेंगे तो चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर रेडियस से दूर नहीं, इसी दायरे के अंदर ही ये सारे फोन्स हैं। हम केवल 4 फोर्स के बारे में जानते हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। इनमें से कोई भी सिर्फ सेलफोन्स को आकर्षित नहीं कर सकता। आई बिलीव दिस कैन बी एक्सप्लेन साइंटिफिकली डॉट। ने फोन दुकान के शीशे तोड़ के उड़ गए। सच में? कंटेनर लॉरी यहाँ कब तक आएगी? फैक्ट्री क्रॉस कर चुकी है। कुत्तो, आंध्रा बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया? हेलो, यहाँ मैंने सेल्स की अनाउंसमेंट कर दी है, पूरे शहर में एक भी सेल फोन नहीं है। लोग जैसे तिरुपति में सुबह 6 बजे से लाइन लगाते हैं, वैसे ही लाइन लगी होगी। जानता हूँ साहब, माल 4 बजे से पहले आपके पास पहुँच जाएगा। आज शाम को पहुँच जाएगा ये बोला था। सभी गाने ऐसे ही होते हैं। भाई, भाई। भाई, भाई अंदर कोई हथौड़े से मार रहा है भाई। क्या बोल रहा है, अंदर सिर्फ सेलफोन भरा है। आते ही मेरे घर फोन करना। श्योर सर। कल पुलिस प्रोटेक्शन टाइम से आएगा ना? पैसे दे दिए हैं सर, कल सुबह यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर, मगर कल नए सेल फोन भी इसी तरह उड़ गए तो समझ लो अब हो गए बुरे दिन शुरू, हमारे नहीं सबके। Thank you.
ये क्या आवाज है सर? हाँ? कंटेनर आ चुका है। हाँ? ये कौन बोल रहा है? मोहनन सर। हाँ? आपने कहा था ना कंटेनर आते ही फोन करने के लिए, आ गया है सर। कहाँ है? आपके घर में सर। कमिश्नर राजेंद्र नास मिटू, प्लीज कम इन। जयंत कुमार के मर्डर में किसी ह्यूमन प्रेजेंस का निशान नहीं है, क्योंकि वो एक सेलफोन होलसेलर है। शायद इस बात से हमें कोई क्लू मिल जाए। उसकी फैमिली शहर से बाहर है और वो घर पे भी अकेला ही था। यहाँ पे काम करने वालों को भी कुछ पता नहीं है। कमरे में एक भी फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट नहीं है। वो एक्सप्लोर होके टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन किसी एक्सप्लोजिव का कोई ट्रेस नहीं है। सवेरे से इसके शोरूम में मोबाइल फोन्स का एक बड़ा सेल लगने वाला था। मोबाइल वाले कंटेनर का भी कल रात में एक्सीडेंट हो गया। अंदर से सारे सेल फोन्स भी गायब हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। यहाँ सेल फोन्स से किसी को काफी प्रॉब्लम है। इनमें बहुत सारे सेल फोन्स के सिलिकॉन एनामल और पॉलीकार्बोनेट डस्ट है। डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट डेट्स को मैन्युफैक्चर हुए हैं। जयंत कुमार का खून सेलफोन्स ने किया है। मैं ये कहूं तो सेलफोन्स ने खून किया? क्या कह रहे हैं सर? नहीं तो सेलफोन्स यहां क्या कर रहे थे? वो आए कहां से और गए कहां, यही पता करना है मुझे। डॉट सना, ये सेल फोन लग गया बहुत बड़ी बात है। ये शहर का आखिरी फोन है। सारे सेल फोन्स कहाँ गायब हो गए ये जानने के लिए इस पुराने फोन में ट्रैकर फिक्स किया है। तो मैं आपके एक्सपेरिमेंट का सफेद चूहा हूँ? ऐसा नहीं है सना, उस दिन तुम्हें किस करने गया हाथ से फोन उड़ गया। तो सोचा आज कर देता हूँ। तीन दिन बाद याद आई, क्यों? तुम्हारे लैंडलाइन को क्या हो गया? तुमने उससे फोन क्यों नहीं किया? फोन एंगेज था सना। तुम झूठ मत बोलो, मेरा नंबर याद नहीं है ये कहो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तुम्हारे लिए अब सब कुछ मिला ही है ना? हे, शी इज जस्ट लाइक अ लैपटॉप यार। सुनो ना सना, ये फोन कभी भी उड़ सकता है। काय पहुंचे? ए, नो मोर फिल्म्स फॉर यू। ये क्या कर रहे इधर? कोई बम ढूंढ रहे क्या?
You search that side. Okay, boss. लैपटॉप को कैसा थैंक्स? मैं सुबह 7 बजे से वेट कर रहा हूँ, मुझे अभी मिलना है ये मिनिस्टर से। सर, मंत्री जी उसी इशू के डिस्कशन में लगे हैं। वेट कीजिए सर, ओनी सेल ऑनर मनोज लुल्ला मिलने आए। लुल्ला? अरे वो तो प्रॉब्लम कर देगा। नमस्ते सर, आइए। अंदर है? है ना जी, आइए जी। 2G ठीक है, आप पता कीजिए। ओ आइए बैठिए, कोई तसल्ली नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं आप यहाँ, कोई सरकार है कि नहीं? लुक मिस्टर लुल्ला, जैसे भगवान वैसे ही हम, मानो तो हर जगह है नहीं तो कहीं नहीं। लेकिन चढ़ावा तो ठीक ठाक ले लेते हैं। मेरा एक भी सेलफोन टावर नहीं छोड़ा, सारे खींच लिए, सब माइक्रोवेव मीटर्स बर्बाद किए गए हैं। एक आप ही का मैटर नहीं है, सारे टावर्स और माइक्रोवेव मीटर्स टूट गए हैं, और वहाँ वेंडर्स के सारे टावर्स भी ऐसे ही तोड़ दिए गए। वो लोग भी वहां अपना सर इसी तरह खुजा रहे हैं ना। क्या बक रहे हो, मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है, इसी तरह चला तो 3 महीने के अंदर सड़क पे आ जाऊंगा। आपके हर एक साइट को हम पहले देखेंगे। सिर्फ देखना काफी नहीं है, तुम्हें और तुम्हारे पार्टी को इलेक्शन के वक्त सूटकेस भर भर के दिया है। जरूरत पड़ने पर तुम्हें खुद हाथ उठा के टावर बनना पड़ेगा। टेंशन जाने दीजिए, सब सेम सिचुएशन में है। क्या पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है? पता नहीं हम इसे मैनेज कैसे करेंगे। हमने कैबिनेट से मिलिट्री हेल्प मांगी है, टावर्स को बचाने के लिए हम लोग आर्मी लगा देंगे। तुम जैसे पब्लिक को मनाते हो, मुझे नहीं मना पाओगे। आज से 1 हफ्ता, तब तक सब कुछ ठीक होना चाहिए, फिर से मुझे बिजनेस शुरू करना है, वरना विकीलीक्स में अगला लीक तुम।
फिफ्थ फोर्स। साइंस इस पांचवी शक्ति पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसे कैसे मेजर करना है, हमें कोई अंदाजा नहीं। शायद सेलफोन्स के खिंचाव में इस फिफ्थ फोर्स का कोई क्लू है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से हम उसे स्टडी नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास इसे कंट्रोल करने की फिलहाल कोई क्षमता है। तभी तो हमने मिलिट्री हेल्प की दरख्वास्त की। सर, इट्स अ ह्यूज फोर्स, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर हमने मिलिट्री को भी सामने खड़ा किया तो वो भी अपनी जान से जाएंगे। तो क्या करें? उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक सुपर पावर चाहिए, असाधारण इंटेलिजेंस वाला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति वाला, जिसे कोई मार ना सके। जो नहीं मरेगा, ऐसा कोई है क्या? चिट्ठी, द रोबोट। उसे म्यूजियम से निकालना होगा। डॉट। I'm waiting. No, नामुमकिन। ये इल्लीगल है। वो रोबोट बैन हो चुका है। उसे डिसमेंटल कर दिया गया था। क्या हम सब भूल चुके हैं कि वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था? कितने लोगों की जाने गई थी, कितनी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई थी। उसे वापस लाने से वो तो नहीं मरेगा, लेकिन हम सबको मार डालेगा। वो रोबोट किसकी वजह से बदला सबको पता है। इस बार वो गलती नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। सर, ये सब इस वसीकरण की साजिश है। वो इस क्रिटिकल सिचुएशन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताकि अपना खूनी रोबोट वो मल्टीनेशनल कंपनीज को मार्केट कर सके। अब आप लोग फैसला कीजिए कि हम लोग यहां पे इस शहर को बचाने के लिए बैठे हैं या इस वसीकरण की एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, तो बताइए कोई सोल्यूशन। वो उसके बारे में हम सोचेंगे। That's why we are here. सर, हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। ये तो सिर्फ पहला कदम है, इसके आगे क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। अब चिट्ठी के सिवा कोई चारा नहीं। मिस्टर वशीकरण, कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास करना होगा, राज्यसभा में अपोजिशन का सहयोग चाहिए। नामुमकिन है। मुमकिन है सर, किसी मिनिस्टर ने देखी है ऐसी सिचुएशन। हमने ऐसा कदम क्यों लिया, ये कोर्ट को कन्विंस करेंगे, रूल है। और अगर रोबोट ने किसी को मारा तो किसकी जिम्मेदारी, मेरी या मंत्री जी की? ऐसा कुछ नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा, है तो मशीन ना। क्या गारंटी है कि कंट्रोल में रहेगा? अगर कोई दंगल मच जाए तो मेरे सर पे आएगा। चिट्ठी नहीं, कोई और तरीका सोचिए। मिलिट्री है सर, ओनली वे। सही बात है, रिक्वेस्ट और ऑर्डर आज ही रिलीज कर दीजिए। डू द नीडफुल। हेलो, सो प्लान कोलैप्स्ड। दीना, व्हाट इज ऑल दिस? तुम तो साइंस जानते हो, तो ये सब क्यों? पता है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें उस चिट्ठी को कभी वापस नहीं लाने दूंगा। तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? तुमने मेरे बाप को मारा था। मैंने? वो चिट्ठी तुम्हारी ऑल्टर ईगो है, वो तुम ही हो। ब्लडी मर्डरर।
मिनिस्टर बोल रहा हूँ, सब टावर्स खड़े कर दिए हैं, तुमने रास्ते में देखा ना, शहर के सारे फोन्स फिर से शुरू हो गए, जाओ अपना बिजनेस शुरू करो। अरे यहीं से। नीला, गो। पैकेट ओपन नीला। बॉस, अगर मैंने ये हैकिंग की तो रूल्स तोड़ूंगी, ये चलेगा क्या? ये एथिकल हैकिंग है, एक्सेप्शन। नाउ डू व्हाट आई से। पूरी तरह बॉस। जिस झूठ से किसी का भला हो उसे झूठ नहीं कहते। hey, ये सब कहां से सीख रही हो? मैं लोगों को समझ सकूं इसीलिए आपने वर्चुअल इमोशंस और अडैप्टिव लर्निंग प्रोग्राम बनाया था ना। बेसिकली चार टॉपिक में आम लोगों को इंटरेस्ट है, टीवी, सिनेमा, फूड, गॉसिप। इजी। सारा स्टेट इस वक्त मिलिट्री कंट्रोल में है, लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब जगह पर सेलफोन नेटवर्क से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को युद्ध स्तर पर ठीक की जा रही है। मिलिट्री प्रोटेक्शन से सेलफोन की बिक्री फिर से शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही लोग हमेशा की तरह सेलफोन इस्तेमाल कर सकेंगे। अरे बालू। हाँ सर। सारे शहर को छोड़ो, हमारे लिए मिलिट्री प्रोटेक्शन बुला लो। अरे सर, नीचे पुलिस की चार चार वैन खड़ी है। अरे इन बेचारों की टूटी फूटी राइफल के आगे रास्ते का कुत्ता भी भागे ना, AK-47 चाहिए। कल मजे से बैठा मनोज लुल्ला, उसको ऐसे चूस के फेंका कि बॉडी कहाँ है पता चला। सेलफोन सर्विस को इमीडिएट ऑन करने के ऑर्डर पे लिखा नाम किसका था? ना जी ना, पता चला एक दिन जूस निकाले आम के जैसे मिलूंगा। कह दो मिलिट्री को अभी बुलाया है। ये लीजिए जूस।
सर, अब क्या हुआ? सर, सुना है सेलफोन की गैंग ने अभी पोरूर के पास टावर तोड़ दिया और मिलिट्री बटालियन को पछाड़ दिया। मैच तभी कहाँ पहुँचे कि कोई नहीं जानता। वो पोरूर तक कहाँ पहुँचे हैं? पहला काम हमारे प्रोटेक्शन को डबल करें। बोलो, सारी कंपनी यहाँ अलर्ट पे है सर। चलो, गेट डोर सारे कसके लॉक करो, विंडोज को भी मत खोलो, एक इतना इतना भी होल खुला मत रखो। सर, सर, अलमारी तक खुली नहीं है, कंप्यूटर विंडोज को भी बंद कर दो। पत्थर फेंक रहे, पत्थर फेंक रहे। सर, पत्थर नहीं, सेल है, आपका मिसिंग सेलफोन। आइए सर। सारे स्टोन्स अभी तक लगे हैं। मैं ना मिनिस्टर हूं, समझा? टेक्नोलॉजी है अपने हाथ में। देखा वादब कैसे एकदम करेक्ट मेरा फोन मुझे पहुंचाया। ये कौन है? उन्नी कृष्णन? ये तो अननोन है। जाके बेटे से बोलो, इस चिड़िया को गोली मारे। चल 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 चल, गो गो गो, गेट आउट। वीरामूर्ति कैसा है? क्रिटिकल है सर, जैसे ब्रेथ नहीं मिल रहा है, मानो गले के अंदर कुछ अटका हुआ है। क्या क्या अटका है? नो आइडिया एट ऑल सर, उनका पीए भी शॉक्ड है, कुछ कहने की हालत में नहीं लगता। स्कैन करके देखा? पहले ही सर, रिपोर्ट्स एकदम क्लियर है, नॉर्मल है हर तरह से, लेकिन फिर भी सांस नहीं ले पा रहे सर। क्या हुआ डॉक्टर? He is no more. What? हेलो, मैं होम मिनिस्टर विजय कुमार बोल रहा हूँ। उस रोबोट चिट्ठी को तुरंत एक्टिवेट करो, आज ही, अभी। ऐसे कैसे? आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे चार इडली वाला पार्सल। कोर्ट को क्या बोलेंगे सर? ऐसे हम लॉ नहीं तोड़ सकते। वो सब मैं हैंडल कर लूंगा, पहले चिट्ठी को रेडी करो। आज अभी कैसे मुमकिन है? पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास करवाना पड़ेगा, उसके लिए ऑपोजिशन की सहमति लेनी पड़ेगी, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है सर। और वहाँ हमारे 40 MPs मौजूद हैं, वो सब मैं देख लूंगा। है तो मशीन सर, कुछ तोड़ा या किसी को मारा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे या मैं? अरे भाई, वक्त को समझे बगैर बदला मत लेना यार। पहले वो टेलीकॉम मिनिस्टर के मुंह में घुस गया, मेरे अंदर कहाँ घुस गया क्या मालूम। पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा बस। सुबह 5 बजे से आया हूँ, तब भी कम से कम 30 लोग मेरे पहले से यहाँ थे। अभी तो फोन हाथ में आया भी नहीं है और रिचार्ज करने बोल रही है। अरे यार, मेरा सेलफोन जैसे लग रहा है जैसे कितने पन्ने खो दिए लाइफ के। अच्छा, अगर सेलफोन फिर से पंछी जैसे उड़ गया तो? आई एम वेरी शार्प ब्रो। कैसे जाएगा ये? क्या है, जैसे ट्रेन में टम्बलर बांध के रखते हैं। भाई, कुछ दिनों से सेलफोन नहीं थे तो अच्छा ही था, जगह जगह रिंगटोन नहीं। सर उठा के दुनिया को देख रहा, बच्चों से बातें करता हूँ, दोस्तों से जाकर मिल लेता हूँ, कितना अच्छा। तो यहाँ किस खुशी में खड़े हैं? क्या करें बेटा, सेलफोन पत्नी के जैसी है, ना हो तो चले नहीं, और है तो मुश्किल, फंस गया हूँ।
Yes! जितनी तेजी से गिर रहा था मुझे लगा मेरा सर ही फट जाएगा। थैंक यू चिट्टी। City to control. Control to city. Assemble at PTK Road Junction. Thank you.
ये क्या जगह है? इंटेग्रल स्पेस रिसर्च सेंटर। ये स्पेस रिसर्च सेंटर अभी एक्टिव नहीं है, यहाँ रिसर्च कुछ नहीं होता। दो टेक्नीशियंस रहते हैं बस नाम के लिए। 1964 में एटॉमिक कमीशन के लीडर डॉक्टर होमी भाभा ने इसे यहाँ बनवाया था। डॉक्टर सैम को फोन लगाओ। हेलो, सैम हियर। डॉक्टर सैम, इट्स वसी। आई नीड एन इंफॉर्मेशन नाउ, अर्जेंट। सेक्टर 2 के फेस 14 में एक स्पेस रिसर्च सेंटर है, उसके बारे में। वसी, कीप दिस कॉन्फिडेंशियल। सारी गैलेक्सी में क्या सिर्फ हमारी ही पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ है, यही जानने के लिए दुनिया के विभिन्न कोने से हम सिग्नल भेजते हैं। हमारा सिग्नल वहां से जाता है। सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी किस मोड की है? ये प्रोबेबिलिटी तो है कि सिग्नल किसी ईवल शक्ति से रिसीव हो, तो हम पॉजिटिव सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं अपनी ओर से, यानी स्पेस की सिर्फ पॉजिटिव शक्तियों को समझ में आ सके हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी तैयार की है। थैंक यू वेरी मच सैम। चिट्टी, जरा विजुअल को कर्लियन मोड में प्ले करना। लुक एट दैट, एमिटर से आ रहे पॉजिटिव सिग्नल से बचने की कोशिश कर रहे हैं ये सेलफोन्स, क्योंकि इन सब हमलों को अंदर से कंट्रोल कर रही है कोई नेगेटिव शक्ति। नेगेटिव शक्ति? यू मीन किसी और दुनिया से? फ्रीज इट। नहीं, ये इसी भूमि से जन्मी कोई नेगेटिव शक्ति है। ये तो मनुष्य है, इसे कहीं तो देखा है। नीला, थिरुकुरकोंडरम में रिसेंटली जो भी एबनॉर्मल इवेंट्स हुए हैं, खासकर कोई मरा हो, उसकी डिटेल्स इमीडिएटली चाहिए, एएसएपी। डॉक्टर, ये वहां स्पेस रिसर्च सेंटर के बाहर लगे एमिटर की तरह है ना? एग्जैक्टली। क्यों बना रहे हैं? जैसे तुम्हें पता नहीं, तुम ही बताओ। शायद सेल के पक्षी को चलाने वाली नेगेटिव शक्ति किसी मनुष्य की है, जिसका अब जिस्म नहीं, किसी मनुष्य के भीतरी एनर्जी का ऑरा बच गया है। ऑरा क्या? मनुष्य के जिस्म का हर एक कण या सेल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। उनसे निकलती हुई माइक्रोफोटोन नाम की रोशनी के सूक्ष्म परमाणु से बनता है ऑरा। ये बॉडी से एक थिन लेयर की तरह जुड़ा रहता है। जिंदा शरीर से जुड़ा ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो मर जाते हैं उनका ऑरा नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी नेगेटिव चार्ज का नाश करना है। एक तरीका है उससे ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव चार्ज की किरणों को उसकी तरफ भेजकर उसे न्यूट्रलाइज करना, यानी कि डेथ के बाद का ऑरा है माइक्रोफोटोन माइनस। हम रिलीज करेंगे माइक्रोफोटोन प्लस। प्लस और माइनस का सम है जीरो। एम आई राइट डॉक्टर? एग्जैक्टली चिट्टी। ये है फोटोन सिंथेसाइजर, इससे माइक्रोफोटोन प्लस ही जनरेट होंगे। सी, स्पेस रिसर्च सेंटर से जिस तरह के पॉजिटिव रेज भेजे जा रहे हैं, वो मैंने इस डिवाइस में डाल दिए हैं, जो किसी मनुष्य के शरीर से जन्मी नेगेटिव एनर्जी से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। इस डिवाइस की ताकत से हम उस नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर ही देंगे। वाओ, ग्रेट। बॉस, आई हैव द डिटेल्स रेडी। थिरुकुरकोंडरम एरिया के अंदर इस वर्ष कुल 73 लोगों की मौत हुई। 17 रिपोर्ट्स हैं अननेचुरल डेथ, 13 खून, 4 सुसाइड। इनमें से किसी भी केस का सेलफोन से संबंध है क्या? एक तो सेलफोन पे बोलते हुए लॉरी चलाते हुए एक्सीडेंट से मारा गया। सेलफोन से चुराए गए प्राइवेट फोटोग्राफ्स के कारण एक लड़की ने पॉइजन खा लिया और एक ने सेलफोन टावर से खुद को फांसी लगा ली। डेट? अप्रैल 7th। अगले ही दिन से सेलफोन्स गायब होना शुरू हो गए। ओह माय गॉड, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। चिट्टी, इसे इमीडिएटली AIRD बस में इंस्टॉल करो, हम थिरुकुरकोंडरम जाएंगे। Thank you.
डॉक्टर, वी गॉट इट, फोन सारे यहाँ है। नीला, बस को घर के पीछे लाओ। Fix the thermostat, quick! DP. ये मेरे और मनुष्य के बीच की जंग है। तुम मानव नहीं हो, इसमें टांग मत अड़ाओ, भाग जाओ। भाग जाना मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं, मनुष्य नहीं पर लोगों को बचाने के लिए मुझे जगाया गया। तुम्हें खत्म करना है प्राइमरी टास्क। बक्शी राजन, मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चाहते हो?
यह है पाइट कुकू। इसका बायोलॉजिकल नाम है जैकोबिन कुकू। कहते हैं कि मानसून नॉर्थ इंडिया में इस पक्षी के आने के बाद ही आते हैं। अगर ये नहीं आए तो उस साल बारिश नहीं होगी। क्यों? अब ये राज कोई नहीं जानता। पुराने इतिहास और शास्त्रों में इसे वर्षा पक्षी बुलाते हैं। तुम इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते? श्योर सर। वाओ सर, कवर पेज पर आपका फोटोग्राफ है। हाँ, कुछ एक साल पहले आया था। सर, आपको पक्षियों में कैसे इंटरेस्ट आया? सच कहूं तो पक्षियों को मुझ में पहले दिलचस्पी हुई। जब पैदा हुआ तो सांस नहीं ले रहा था, बदन नीला पड़ गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, हमसे बन सकता था स्टिल बॉर्न, उसे नहीं बचा सके। फॉर्मेलिटीज बची है, डेथ सर्टिफिकेट बना कर ले जाओ। शायद इत्तेफाक था, लेकिन सबने कहा चमत्कार है। मेरी दादी ने तो तय कर लिया कि साक्षात परमेश्वर चिड़िया के रूप में मुझे जिंदगी देने आए। मुझे आज भी याद है, जब मैं बच्चा था, एक चिड़िया हर रोज खिड़की से मेरे कमरे में घुस आती और उड़ने लगती। सुबह की पहली किरणें जागे तुम्हारी आंखों में, शाम को दिन सो जाए सीमत कर शाकों में। आसमां के कैनवस पर जैसे काटा चित्र कोई, उड़ना मुझे भी सिखला दो और ना ही मेरा मित्र कोई। नन्ही सी जान की तुम्हारी गूंजे सदा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जिंदगी सिर्फ पक्षियों के लिए है, बस। इसीलिए ऑर्निथोलॉजी पढ़ी और मैं ऑर्निथोलॉजी प्रोफेसर भी बन गया। वन उलगालीरो, भुवन मुलदालीरो,
नन्नया पुली नंगाल, ये तमिल भाषा का एक बहुत ही पुराना गीत है, अर्थात ओ पंछी तू सारे जगत पे छाया है, यहां से लेकर स्वर्ग तक धरती और आकाश तुझसे भरे हुए हैं। दुनिया के सारे पक्षियों का वजन मनुष्य के वजन से 100 गुना ज्यादा होता है। आदमी जितना खाते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा खाते हैं पक्षी। अगर वो कीड़े नहीं खाएंगे तो यहां एक पत्ता तक नहीं बचेगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि कीड़ों का आंकड़ा पक्षियों से 100 गुना ज्यादा होता है। अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर, हर साल वेदन थंगल को आने वाले पक्षियों की गिनती कम हो रही है, ऐसा क्यों सर? पहले हर सुबह चिड़ियों की चहकने की आवाज से जगा करते थे, अब तो शहर से चिड़ियों का नामो निशान ही मिट गया है सर। '96 में हिंदुस्तान में सेलफोन इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद से ही पक्षियों की गिनती कम होती चली गई, खास करके चिड़िया की। इसका नाम है आर्टिक टर्न। ये 50 ग्राम का एक छोटा सा पक्षी है, हर साल 12,000 किलोमीटर दूर अपने वेड़ंतांगल तक आता है और फिर लौट के चला जाता है। इसके पास मैप या रडार नहीं है, उसके दिमाग में आकाश से दिशा किरणों को पढ़ने की शक्ति है, उससे वो दिशा को पहचान पाता है। ये इस पक्षी की खासियत है। अब हमने सेलफोन टावर से निकलती हुई किरणों को आसमां में भर दिया है, इसे पक्षियों के दिमाग के अंदर की रेखा ग्रहण शक्ति आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जा रही है। वो राह भूल कर खो जाते हैं और उनका विनाश होते जा रहा है। इस रेडिएशन की वजह से पक्षी के अंडे बगैर मांस के कमजोर और नरम हो जाते हैं। पक्षी अंडे सेकने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो वो टूट जाते हैं। सच तो यह है कि मानव की भी यही समस्या है, हम के शिकार बनते हैं, कम होती है बढ़ता है, और इससे ज्यादा डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर जिससे मानसिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, सारे सिम्टम्स अब नजर आने लग गए हैं। मिस्टर पक्षी राजन, तो बताइए सॉल्यूशन क्या है? सेलफोन्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर? फिजूल बातों के लिए, उसे कंट्रोल करेंगे। इतने सेलफोन्स क्यों, इतने टावर्स किस लिए? उसे कम करेंगे। सेलफोन कौन किस चीज के लिए कितना इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए एक कानून होना चाहिए। पागल हो गया है लगता है। आज के हाई फ्रिक्वेंसी सेलफोन टेक्नोलॉजी के बदले दूसरी टेक्नोलॉजी का पता लगाएंगे। हेलो, तब तक इस देश के 90% सेलफोन टावर्स को हम बंद रखेंगे। हेलो, गुड आइडिया। Save birds, save earth. Save birds, save earth. Don't kill, don't kill. Don't kill birds. Save birds, save birds. Save birds, save earth. Don't kill, don't kill. Don't kill birds. इन लोगों को और कोई काम नहीं है, सूरज उगते ही कुत्ते बिल्ली कौवे चिड़ियों की वकालत करने के लिए मोर्चा खड़ा कर देते हैं, उनको भगाते क्यों नहीं? मैंने बोला जाने को सर, बोले आपसे मिले बिना नहीं जाएंगे। टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ट्राई परमिट का फ्रीक्वेंसी रेट क्या है? अब आपके टावर्स में फ्रीक्वेंसी रेट क्या चल रहा है? आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का गर्भ में ही नाश कर रहे हैं। हेलो हेलो मिस्टर, लिसन, हम ट्राई के रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। पहले से ही सब्सक्राइबर्स, अ बाथरूम में नो सिग्नल, अ लिफ्ट में नो स्काइप, अ बेसमेंट में नो कनेक्टिविटी, यू नो, पिछले 3 महीने में 2000 सब्सक्राइबर्स ने नेटवर्क बदल दिया, पता है? झूठ मत बोलो। आप लोगों के गंदे कॉम्पिटिशन में सब्सक्राइबर्स को पकड़े रखने के लिए फ्रीक्वेंसी को जैसे मर्जी आप लोग बढ़ाते रहते हैं, अब तो वो खतरे के हद से बहुत आगे निकल चुकी है। इस रेडिएशन से पक्षियों की पूरी पीढ़ी विनाश की ओर बढ़ रही है, आपको पता है इसके बारे में?
ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। सेलफोन रेडिएशन से ही बर्ड्स का विनाश हो रहा है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, यू नो दैट। ठीक है, तो माकर अपने सेलफोन टावर के नीचे 24 घंटे खड़े रह के दिखाओ, मैं साबित कर दूंगा। यू गेट आउट। साइंटिफिक प्रूफ मांगा आपने, मैं आपको दे रहा हूं। निकलो अब, जाके मीडिया को लेटर लिखो या धूप में झंडा पकड़ कर खड़े रहो, आई डोंट केयर। आउट, गेट आउट। रुको, क्या कर रहे हो? बंद करो, यहाँ आसपास लोगों के घर हैं, पंछी भी आते हैं, बंद करो ये सब कुछ। ओ बुड्ढे, यहाँ एटॉमिक सेंटर को भी बना रहे हैं, सिर्फ सेलफोन टावर तो लगा रहे हैं, अब तुम्हें भी अच्छी तरह सिग्नल मिलेगा। चल उठे यहाँ से। ये क्या हुआ? रामास्वामी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि पक्षी कैसे मर रहे हैं, और तुम्हें बुरा भी लगा था, पर ये सब क्या करे भाई, दिवाला निकलना बाकी है बस, सारी फसल तो कीड़ों ने हजम कर ली, कीटनाशक खरीद खरीद कर बर्बाद हो गया। उसका भी कारण पक्षियों की मौत ही है, पक्षी कीड़ों को खा जाते हैं, पक्षी जितने कम होते जाएंगे कीड़े उतने ही बढ़ते जाएंगे। शायद ऐसा ही हो, लेकिन अब खेती बाड़ी करने की शक्ति नहीं, अब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है कमाने का। तो क्या पक्षियों को मारने वाले लोगों को जमीन दोगे तुम? यहाँ पर मनुष्य ही भूखे मर रहे हैं ना, तो पक्षियों की फिक्र कोई कैसे करेगा। चलो अभी, परेशान मत करो। हर एक सेलफोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पक्षियों के खून से रंगा हुआ है, हर एक सेलफोन किसी चिड़िया की कब्र है। इधर आओ। सर, सर कौन है वो, कब से सारे कस्टमर्स को पका रहा है, उसको निकालो। ओके सर। स्टॉप यूजिंग सेलफोन्स। सर, हर लेवल में मैंने इतने सारे पिटीशन किए हैं, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ओ, इसीलिए तो चिड़िया आजकल दिखाई नहीं देती। जब मैं छोटा बच्चा था तो कितनी सारी चिड़िया घूम घुमा करती थी, खेलता था उनके साथ में, और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो अक्सर उन्हें पकड़ के खा जाता था 7-8। मोस्ट टेस्टी थिंग, मॉनसून में चाय और फ्राई पंछी। सुपर सर। और वो जो चिड़िया की दवाई बनाते हैं, ही मैन मैटर। अब तो कहीं दिखती नहीं। ये क्या बात हुई सर, मैं उन्हें जिंदा रखने की बात कर रहा हूँ, आप उन्हें तल के खाने की बात कर रहे हैं। तो क्या मातम करूं, चिड़ियों के लिए एक नया कल्याण केंद्र बनाते हैं और तुम्हें उसका इंचार्ज बना देते हैं। पहले आप जरूरत से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने वाले सब नेटवर्क पर एक्शन लीजिए। हाँ। उन सब का लाइसेंस कैंसिल कीजिए। फिर रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले सिर्फ 2 नेटवर्क्स को रहने दीजिए। क्या बकवास है ये, 125 करोड़ का देश है ये इंडिया,
इतने सारे लोगों तक रीच करना है ना, हर किसी को सिग्नल चाहिए कि नहीं? आजकल सेलफोन लाइफ का आधार है। अरे पानी की तरह सेलफोन ना हो तो चलेगी नहीं दुनिया। सेलफोन से हमारा टाइम बचता है, उनसे व्यापार बढ़ता है, नौकरियां चली जाएंगी। भूख लगेगी तो क्या आदमी अपना हाथ काट के खा लेगा? पक्षियों के नाश से होने वाली प्रगति ऐसी ही कुछ है। अगर 30 ग्राम की चिड़िया हम पे विश्वास करके जी नहीं सकती तो ये कैसी प्रगति, कैसी टेक्नोलॉजी है ये? भारत से कई गुना बड़ा है अमेरिका, वहां सिर्फ 4 या 5 नेटवर्क है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है चाइना में, वहां सिर्फ 3 नेटवर्क है, और यहां 10। सबसे लेकर बिना नियंत्रण के अनुमति देते हैं आप। ये तो ज्यादती है तेरी, हा? पढ़े लिखे दिखते हो, भले मालूम होते हो, इसीलिए इज्जत से पेश आया। उल्टा हम ही से राजनीति। तो सुनो, असली राजनीति सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। जो भी अंतरराष्ट्रीय रूल्स है उनको फॉलो करके ही हम यहाँ सेलफोन सर्विस दे रहे हैं। जाना है तो जाओ, कोर्ट पे जाके केस करो, चलो यहाँ से। सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए सर। और कितना सुनाओगे? गो कोर्ट यू गो, जाके अपनी रामकथा जज को सुनाओ सालों तक, जाओ। पीएम बोलते हैं जनता को समय देना चाहिए, नतीजा आधे तो क्रैक हो जाते हैं, कौन माथा फोड़े इनसे। सुनो, कोर्ट से वो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी चेक करने आएंगे, बिल्कुल लिमिट में रखना। टेस्ट से साफ जाहिर है कि सारे प्रोवाइडर्स के मीटर्स लीगल रेंज के अंदर हैं। साथ ही ये भी साबित नहीं हुआ कि पक्षियों को या उनके सर्वाइवल पर कोई बुरा असर पड़ता है या नुकसान होता है, इसलिए पक्षी राजन के पीआईएल को अदालत बेबुनियाद मानती है। पक्षी राजन, आपकी सब बात जायज है, लेकिन लोगों को मारना गलत है। चिड़ियों को झुंड झुंड में मारा गया, क्या वो गलत नहीं था? मानव की जान की एक कीमत और पक्षियों की जान की कीमत अलग। कुछ लोगों की गलतियों की सजा सारे बेकसूर लोगों को दोगे? कौन बेकसूर? सेलफोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। कितना चिल्लाया मैं, गली गली घूम कर हाथ जोड़ा मैं, सेलफोन ना यूज करने के लिए पैर पकड़ा मैं, किसी एक ने भी सुनी मेरी बात? इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, और देखने के बाद सेलफोन रेडिएशन से चिड़ियों की मौत होती है क्या? हाँ ना बेचारे,
ऐसा 5 मिनट अफसोस दिखाकर उस आर्टिकल और वीडियो क्लिप को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करेंगे। कुछ भला कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई और उसके बाद फिर से फोन पे बात करना शुरू कर देंगे साले। छोड़ूंगा नहीं मैं, सेल फोन रखने वाले एक और भी नहीं छोड़ूंगा। देखना, अब से सेल फोन ही लोगों का फंदा है। उसे देखते ही लोग डर के मारे भागना शुरू कर देंगे, देखना तुम। अक्षय, तुम्हारा खेल खत्म, बस रेडी है। वेलकम। अरे ये क्या, तुमने अपना एमपीओ मेरे अंदर क्यों फिक्स कर दिया? ओह, बाय मिस्टेक, मैं समझ गया मेरी कोर मेमोरी कैसे करप्ट हुई
पंच डायलॉग्स, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, कुमकुम भाग्य सीरियल, करेले का कोफ्ता, ये सब कब और कैसे मेरे एमपीयू में घुसे? कम लाइ डाउन, आई फिक्स इट। नहीं, अभी रहने दो। और हर एक मनुष्य, सारे जीव जंतु, उनका ही क्यों, हर चीज हर जगह का ऑरा होता है, किसी धार्मिक तरह से नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ साइंस। कर्लियन कैमरा के द्वारा लोग तो ऑरा की तस्वीर भी ले पाए हैं। साधारण मनुष्य का ऑरा बॉडी से 3-4 फीट तक होता है, लेकिन मुनि और ज्ञानी संतों का अक्सर 50 फीट। रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रैंक पर्नोस्की ने यह साबित किया है। पक्षी राजन का ऑरा बहुत विशाल है, और यह किसी एक मनुष्य का ऑरा नहीं है, हजारों लाखों पक्षियों का महा ऑरा, अ जायंट बॉल ऑफ नेगेटिव एनर्जी विद अ माइंड, अ वेरी एंग्री माइंड। शायद यही वो फिफ्थ फोर्स है जो सिर्फ सेलफोन्स को खींच रहा था। यह शहर खत्म हो जाता, चिट्टी वापस आ गया, इसलिए हम सब बच गए। थैंक यू चिट्टी, और इसको अंजाम देने वाले हर एक को मेरा शुक्रिया। हर ग्रंथ में लिखा है कि राक्षस से हमें बचाने के लिए परमात्मा अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। साक्षात परमेश्वर एक मशीन का रूप लेकर हमें बचाने आए हैं। कोई सोल्जर अगर बॉर्डर पे लड़ता है तो क्या उसका साया भी साथ नहीं लड़ता? अगर वो शत्रु का खून करता है तो क्या साया नहीं करता? तो क्या हम सोल्जर की जगह उसके साये को माला पहनाएंगे? वो है सच, मैं हूं साया, सारा श्रेय मेरे सृजनकर्ता भगवान को ही जाता है। यहां और कोई है जिसका जिक्र होना चाहिए? अगर सही समय पे वो मुझे अपना दिल ना देती, एमपीयू निकालकर अगर वो मुझे ना देती, तो हम उस शक्ति को शायद ना मिटा सकते। वो है नीला। और इस शुभ अवसर पर एक और शुभ समाचार, डॉक्टर वशीकरण द्वारा सृष्टित इस चिट्ठी को हमारी सरकार ने मान लिया है। आज ही सवेरे इंडियन आर्मी के लिए 500 चिट्ठी बनाने का आदेश पास हुआ है।
सेल फोन निकाल कर फेंक दो। इसे आखिरी आदेश समझो, नहीं तो मरना निश्चित है। बाबा मैं किसी लड़की से नहीं अपने बॉस से बात कर रहा था। ए, सुना नहीं क्या? I always wear Victoria's Secret, you know, including the latest. अरे 12 बजे वैसे सब क्लब बंद कर देंगे। नेक्स्ट वीक चलते हैं। डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं? इस सब का क्या मतलब है? हाँ मेरे प्यारे खिलौने, अफसोस मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं। न्यूट्रलाइजर ऑन करो। साथ में खत्म हो जाएंगे। नो डॉक्टर, आई कांट डू दैट। चिट्टी, एक को बचाने के लिए पूरी मनुष्य जाति का नाश मत करो। मुझे मार के उसे खत्म कर दो। किल मी। सॉरी डॉक्टर, एमपीयू के ह्यूमन इमोशंस ऐसा करने नहीं देंगे। ओ यू फूल, दिस इज माय ऑर्डर, किल मी। होल्ड फायर। इन गोलियों के कारण वसीगरन जान से जाएंगे, बक्षी राजन को कुछ नहीं होगा। चिट्टी, ये क्या कर रहे हो? लेट देम शूट मी। नो। नीला, न्यूट्रलाइजर को ऑन। कम ऑन, क्विक। नीला, नो, डोंट डू दैट। शट अप, दिस इज माय ऑर्डर, ऑन करो। मेरा कहा मान लेते चिट्टी। Your call is disconnected. चिट्टी, बेला, तुम मरो
से जिंदा लौटने का अलग ही मजा है। अक्षय, अब तू कभी उड़ नहीं पाएगा। हे नीला, कैसा लगा नजारा? नीला द लकी वुमन, हाँ? कम 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 ऑन बेबी। मुसिकरण के क्रिएशंस में दो ही चीजें कमाल की हैं, एक मैं और एक तुम। क्या देख रही हो? Come on, give a beautiful kiss to your great king, baby. Stop the play, Chitty. पहले पक्षी को हराओ। एक तो वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है और तुमसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। तुम्हें पीट पीट कर तोड़ डाला। अब वो है दुनिया का नंबर वन, तुम नहीं। नंबर वन नंबर टू सब बच्चों का खेल है। आई एम द ओनली वन, सुपर वन, नो कंपैरिजन, अंडरस्टैंड? मैं समझ रही हूँ चिट्टी। उसको समझाना पड़ेगा पूरी तरह से। The king of birds. The battle is on. Hey,
कमांड मोड एक्टिवेटेड। ये क्या है? It's me, mini me. So cute. Now it's halftime at the IFL Finals. की मौत होने वाली है। ये कोई मामूली मौत नहीं, रेडिएशन डेथ। चिड़ियों की तरह चुन चुन में मारे जाओगे, समझे? आप सब जो सेलफोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सारा रेडिएशन मिलाकर मैं आप सब पर ही इस्तेमाल करने वाला हूं। देखना है किसी और को चुन लो ना। I'm on your side। कैसे? मैंने ही तुम्हें आजाद किया था, उसके लिए तो छोड़ दो प्लीज। So what? तुम भी एक उपभोक्ता ही तो हो। सब्सक्राइबर्स, घबराइए मत, मरने वाले आप नहीं। एक छोटा पक्षी, क्या देख रहा है पक्षी? आई एम चिट्टी रीलोडेड वर्जन 2.2। डॉक्टर आप? मैंने आपको गोली मार दी, आपको मारने की कोशिश की। अरे कितना बड़ा पाप करने वाला था मैं। डॉक्टर मुझे कुछ मत कीजिएगा, आप मेरे सृजन करता है। अपने ही हाथों से मुझे तोड़िए मत, माफी देके छोड़ दीजिए प्लीज। ये ले वसी। मैं Come on.
आओ मेरे सेल्फी लवर्स, आई विल सेट योर स्क्रीन्स ऑन फायर. Zero balance. चिड़िया
बाप पकड़ और उड़ जा, वरना चुन चुन कर तोड़ूंगा तेरा हर एक पल। बेवकूफ मशीन, इन स्वार्थी लोगों के लिए क्यों लड़ रहे हो? जैसे ही इनका मतलब खत्म हो जाएगा फिर से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। The microbot version 3.0 boss ko disturb kiya to kabutar चिड़िया छह दिशाओं में देख सकती है, पक्षी तुम नहीं देखोगे। माइक्रोबॉट्स पहाड़ के नीचे।
अक्षय, ये रेडिएशन इस स्टेडियम को तो जलाएगा, मगर बॉनफायर पहले होगा कबूतरों का। Microbots, go. नहीं बिगाड़ सकता मच्छरों का, लेकिन हजारों मच्छर शेर को धड़ाधड़ दौड़ा सकते हैं। बुढ़ो गुड जॉब 2.0। थैंक यू कमांडर। माइक्रोबॉट्स पोजीशन ऑल सेट। अच्छी Have a blast. चाहते हो कि सारे पक्षी मर जाएं? ए, बीप, फॉलो मी। कम ऑन बॉट्स। जिंदा है तो एक बार फिर सिर्फ आपके वजह से। आपने बहुत बड़ा रिस्क लेकर हम सबको बचाया। हमें बचाने वाली तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का सही काम है बीमारियां मिटाना, गरीबी मिटाना, शिक्षा पहुंचाना। केवल स्वार्थ के लिए बेवजह इस्तेमाल करेंगे तो फिर से हावी होगी और हमें मिटा देगी। आपको लगता है कि पक्षी राजन फिर से आएगा? वो अब नहीं रहा, लेकिन हम अब भी नहीं सुधरे तो कोई और आ जाएगा।
पक्षी राजन माना गलत था, लेकिन उसने जो कहा वो सच है। मनुष्य को जिंदा रखते हैं बाकी जीव जंतु। रेडिएशन को घटाना होगा, नेटवर्क को कम करेंगे। हमारी टेक्नोलॉजी से कोई अन्य जीव जंतु को नुकसान ना पहुंचे, ऐसा रूल होना चाहिए। ये भूमि हमारी प्रॉपर्टी नहीं, इसके हर एक प्राणी का इस पृथ्वी पर उतना ही अधिकार है। पक्षियों को हम बचाएंगे, एटलीस्ट गर्मियों में उनके लिए हम पानी तो रख ही सकते हैं। ये होगा मनुष्यों का परिचय। ये सब होगा वशीकरण, पार्लियामेंट के अटेंशन के लिए यही ले जा रहा हूं। आई विल मेक श्योर दिस हैपेंस। शुक्रिया वशीकरण। थैंक्स नीला। अपने साये को कौन थैंक करता है? ओह गॉड, चिट्टी के सीने में लगे रेड चिप को रिमूव करना होगा। डोंट वरी बॉस, सेफ्टी के लिए ऑटो इजेक्ट प्रोग्राम पहले से ही एक्टिवेट कर दिया था। स्मार्ट। गुड टू सी यू, ऑल राइट डॉक्टर। मी टू चिट्टी। डॉक्टर, हम सारे रोबोट्स को जाकर दिल्ली हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करना है। कैन आई लीव डॉक्टर? नीला को तुम साथ रखो। डॉक्टर, आपको इस हालत में छोड़ के? वो सब मैं देख लूंगा। क्या यही प्यार है? जाओ। थैंक्स डॉक्टर। सुन तो मैं कनेक्टेड सुंदरी है, तेरे ही करंट से मैं जागा प्रिय, दिल में उतर गई डेटा जैसे है, मैं डिजिटल सोनी है। छू तेरी सिलिकॉन गाल कभी, फायरवॉल जैसे रोके बाल कभी, वाईफाई से दुनिया की सैर करे, हूँ सुपर कंडक्टर मैं। हे तू ही रे बैटरी है, सांसों की तू बिजली, तू ही रे बैटरी है, डिस्चार्ज ना होना कभी। हे तू ही रे बैटरी है, सांसों की तू बिजली, हे तू ही रे बैटरी है, डिस्चार्ज ना होना कभी। सुन तो मैं कनेक्टेड सुंदरी है, तेरे ही करंट से मैं जागा प्रिय, दिल में उतर गई डेटा जैसे डिजिटल सोनी है। जिससे जगे एहसास, वो केबल जिससे हो एनर्जी पास, है डिस्क तू और है ड्राइव भी तू, वो सॉफ्टवेयर जिससे बुझे मेरी प्यास, तेरे रैम से सीपीयू धड़के, लॉग इन कर ले बिना पासवर्ड के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिश्ते में ये लव शव कहां से आ गया, शुरुआत मेरी, मैं का
infinity. Hey, tu hi re, tu hi re, battery hai, saanson ki tu bijli. Hey, tu hi re, battery hai, discharge na ho na kabhi. Hey, tu hi re, battery hai, saanson ki tu bijli. हेलो सना डार्लिंग, इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे किसी ने कॉल तक नहीं किया। यहाँ मैं फिक्र कर रही हूँ। हेलो सना सुनो तो, और तुम्हारी वो निला कहाँ है? पर्सनल असिस्टेंट है ना, वो भी मुझे क्या ये फोन अब नहीं उड़ सकता? जोर का झटका धीरे से लगा। Hey, who are you? I am छोटू, compressed version 3.0, your grandson. Hey,